बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, मैं जुलेखा, आप देख रहे हैं भारत लाइव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना में संगठनात्मक चुनाव के जरिए राष्ट्रीय जनता दल RJD ने बिहार में अपना चेहरा बदलने की शुरुआत कर दी है। एक साल के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं। जगदानंद सिंह लालू राबड़ी के जमाने के नेता हैं, जबकि RJD का नेतृत्व नया है। RJD ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पारिवारिक विवाद भी जब तब सिर उठाते रहते हैं, ऐसे में जगदानंद के सामने नई चुनौतियों से इनकार नहीं किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजद के सामने हैं कई सवाल। लोकसभा चुनाव में हार ने राजद को बड़ा सबक दिया है। अब तक पिछड़ों की राजनीति करके बिहार में 1.5 दशक तक सत्ता में रहने वाली इस पार्टी ने स्वर्ण जाति से आने वाले जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर चेहरा बदलने की पहल कर दी है, किंतु इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा संकट कोर वोट की हिफाजत का है। नई तरकीब के सहारे स्वर्ण मतदाताओं को रिझाने समझाने का सवाल बाद में है। सवाल यह भी छोटा नहीं है कि तेजस्वी यादव की जनसभाओं में जुटती रही भीड़ को वोट में तब्दील कैसे किया जाए। क्या नया नेतृत्व इस प्रयास में सफल हो सकेगा? पहले जगदानंद को RJD प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की पृष्ठभूमि को समझाना जरूरी है। विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में जाने से पहले इन्हीं पर दांव क्यों लगाया गया? RJD की 22 वर्षों की राजनीति में किसी स्वर्ण को पहली बार संगठन की कमान दी गई है, तो इसकी प्रमुख वजह BJP जदयू के वोट बैंक में सेंध लगाने की मंशा है। मुस्लिम यादव माय समीकरण को बनाए बचाए रखते हुए अगर राजद अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो विधानसभा चुनाव में भाजपा जदयू की परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि लालू प्रसाद की नई चाल में RJD के लिए बड़ा खतरा यह है कि अनिश्चित को प्राप्त करने के चक्कर में निश्चित ही खत्म ना हो जाए। आधार वोटरों को अगर यह लगने लगा कि अब उनके कुनबे में दूसरे का वर्चस्व होने लगा है तो वे इधर उधर भी झांक सकते हैं। संगठन के विभिन्न पदों पर पहले ही 45% आरक्षण की व्यवस्था करके माय समीकरण को सीमित दायरे में बांध दिया गया है। हालांकि आते ही जगदानंद ने भी लालू की लाइन पर ही चलते रहने का संकेत देकर राजद के आधार वोटरों को थोड़ा सुकून जरूर दिया है। बकौल जगदानंद उनकी जमात में 90% लोग हैं और लड़ाई है 10% वालों से। लालू ने भी 90 के दशक में ऐसा ही नारा दिया था। नेतृत्व में पीढ़ी का अंतर जगदानंद के सामने दो पीढ़ियों के नेतृत्व में समन्वय बनाने की भी चुनौती कम बला नहीं है। लालू एवं तेजस्वी में पीढ़ी का अंतर है। खुद प्रदेश अध्यक्ष भी लालू के जमाने के ही नेता हैं, किंतु काम करना पड़ेगा नेता प्रतिपक्ष के हिसाब से। ऐसे में परिणाम ही एकमात्र आधार होगा जो सारे मतभेदों को भर सकता है। और भी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ भारत लाइव पर। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।